जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है कुछ भी बोलेंगे। मोदी जी मिलते तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। ये दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरा बॉम्बे में किया और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा है। और मैं बता दूं, देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां जनता का साथ आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं, देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए। जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, इसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई में आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले और आपका प्यार मिले। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं। और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठने का काम करेगा। आज यहां दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं, वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं अब की बार 400 पार, ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। ये लोग फिर भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग, ये लोग जो नारा लगा रहे हैं, क्या वो सच होगा या वो सत्ता से बेदखल करिएगा? हाथ उठा के बताइए, इनको सत्ता से बाहर करना है कि नहीं करना? आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं, घमंडी हो गए हैं लोग। और आज हम लोग किसी को गाली देने नहीं आ रहे, लेकिन जो आंख से देख रहे हैं वो बताने आ रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं वो बताने आए हैं। सत्ता में लोग जो बैठे हैं, विपक्ष का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनसे हम लोग सवाल करें। आज मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। आज यहाँ लोग हैं, नौजवान हैं, नौजवानों से पूछना चाहते, बताओ कितने नौजवान यहाँ जो है मोदी जी ने नौकरी दिया, हाथ उठा के बताइए। कोई नहीं मिलेगा, मोदी जी ने कोई नौकरी नहीं दी, सब कुछ जो है प्राइवेटाइज कर दिया। और हम लोगों ने बिहार में जब कांग्रेस लेफ्ट इंडिया अलायंस की सरकार थी, 17 महीने में 5 लाख नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। आज किसान तबाह है, युवा परेशान है, लेकिन किसानों से मोदी जी को मिलने का समय नहीं है। मोदी जी मिलते तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते थे पिछले चुनाव में, इस बार बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या कैसे हल होगी ये नहीं बता रहे। किसानों से उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि उनका आय दुगुना करेंगे, आज किसानों पर मोदी जी ने तलवार चलाने का काम किया है जो हमारे अन्नदाता हैं। इसलिए आप सब लोग, जब लोग हम लोग जब आवाज उठाते हैं, तब तब मोदी जी और उनकी
जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी माँ पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेट चल रहा है, आईटी का रेट चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है, सब लोग शेर हैं, आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कंसराज आप लोगों ने देखा होगा, जब जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी, डर लगता था, तब तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन जेल जाने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है, कितने लोगों को जेल भेजोगे, लेकिन जब जनता जब जवाब देगी, जब वोट का चोट दीजिएगा, तो मोदी जी हाथ मलने का काम करेंगे, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए ये अपनी ताकत को पहचानिएगा। सब लोग चुनाव के समय आप सब लोग बोल कीजिएगा, वोट दीजिएगा, लोगों को भी वोट दिलाने का काम कीजिएगा। बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं, ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देते हैं, ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं, हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसे ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है, दो चार बार इस्तेमाल करोगे और वो गारंटी जो है खत्म हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। तो जब तक चुनाव है तब तक ही मोदी जी की गारंटी है, बाकी कुछ नहीं। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15-15 लाख रुपए का क्या हुआ, ये जवाब नहीं देने वाले। लेकिन हमेशा जो है प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं और लोगों को भटकाने का काम करते हैं, इसलिए आप सब लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। इनके झूठ पे आप लोग विश्वास मत कीजिएगा। और हम सब लोगों ने आज तस्वीर देखा, आज तस्वीर क्या देखा कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी अडवाणी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित कर रही थी, मोदी जी अडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए राष्ट्रपति के सम्मान में, खड़ा भी नहीं हुए। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी कि राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रही हैं, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। ये हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका संविधान पे कोई विश्वास नहीं है, ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक आंकड़ा हम जरूर बताना चाहेंगे। देश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है, उसमें आंकड़े हैं कि आज देश में बेरोजगारों में से 83% युवा है, पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी लगभग 65% है, ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 17-17.5% युवाओं के पास ही काम है, यानी भारत की आत्मा गांव में 82% युवा आज बेरोजगार हैं। और मोदी जी इसके बारे में कोई काम नहीं किया। आप एक बार विश्वास कीजिएगा, अगर इंडिया सरकार की अलायंस की सरकार बनती है तो नौजवानों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। और जाते जाते बहुत सारे नेताओं को बोलना है, लेकिन एक अंत हम करेंगे एक गाने के साथ।
और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो।